नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी। आज का जो वीडियो है वो टैटू फॉन्ट के ऊपर है। मेरे पास बहुत समय से रिक्वायरमेंट आ रही थी, लोग पूछ रहे थे कि सर आप टैटू के फॉन्ट जो है कहाँ से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी बेस्ट वेबसाइट्स हैं। तो आज मैं आपको 3-4 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो बेस्ट है और बहुत ही बढ़िया उसमें फॉन्ट्स की कलेक्शन मिल जाती है स्पेशली टैटू के लिए। इवन मैं भी उसको यूज करता हूँ। प्लस इसमें एक वेबसाइट ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको एक यूनिक फीचर मिलेगा जो बहुत ही कम टैटू आर्टिस्ट जानते हैं, और वो क्या फीचर है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और वो आपके लिए एक बोनस वेबसाइट है जो आपके लिए बहुत काम करती है, क्योंकि कम ही टैटू आर्टिस्ट हैं जो उसके बारे में जानते हैं, और वो अगर आपको पता चल जाए तो आप भी उसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। उसकी डिमांड वैसे मार्केट में बहुत है और बहुत कम टैटू आर्टिस्ट जानते हैं, तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। और ये वीडियो आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों के भी काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पर जाना है। आपका कोई भी ब्राउजर है, चाहे ओपेरा है, गूगल है या इंटरनेट एक्सप्लोर है, कोई भी ब्राउजर है उससे फर्क नहीं पड़ता। उस पर आपको गूगल सर्च बार पे जाना है और आपने यहाँ पे टाइप करना है fontspace.com। ये fontspace.com का मेन आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉन्ट्स के, हर तरह के फॉन्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। इवन यहाँ फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं अलग अलग, फॉन्ट जेनरेटर है, फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स का साइज आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, प्लस अगर आपको जो भी डिजायर्ड नेम चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आपको जो भी डिजायर्ड नेम चाहिए, जो आपको फॉन्ट पसंद आ रहा है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, कलेक्शंस हैं इनके पास अलग अलग, तो हर तरह के कलेक्शंस यहाँ पे मिल जाएगी आपको। किस तरह की कलेक्शन चाहिए, सारे इसमें रिलेटेड सारे इसमें आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, हर तरह के फॉन्ट्स हैं। मेनली मैं जो आपको फॉन्ट दिखाना चाह रहा हूँ उसमें यहाँ पे हमें टाइप करना है समरकंद। देन सर्च करेंगे। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे जो ये फॉन्ट दिख रहा है आपको, ये बहुत ही ट्रेंडिंग फॉन्ट है। ज़्यादातर जो है जो क्लाइंट है उनको ये फॉन्ट पसंद आता है। इसमें क्या है कि एक तो ये देखने में हिंदी ऐसा लगता है लेकिन एक्चुअल में ये इंग्लिश में होता है। तो ये फॉन्ट जो है बहुत ट्रेंडिंग है। ये वाला फॉन्ट जो है आपने यहाँ पे सर्च करना है और आपको ये वाला फॉन्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वेबसाइट का नाम है 1001fonts.com। यहाँ से आपको यहाँ पे लिंक खुल जाएगा और यहाँ पे भी देखेंगे आप बहुत सारी वैरायटीज हैं, हर तरह के यहाँ पे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, सेम उसी तरीके के जो मैंने अभी पहली वेबसाइट दिखाई है। लेकिन इसमें मेन कैटेगरी है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन में जाना है, यहाँ पे फॉन्ट कैटेगरी की, फॉन्ट कैटेगरी में जाएंगे, इसमें बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, एक से एक आपको अलग अलग कैटेगरीज के फॉन्ट्स मिलेंगे, हर तरह की 3D कैलीग्राफी, मॉडर्न, यस जनरल साइज, एवरीथिंग। लेकिन मेनली हमें यहाँ पर जाना है वो है टैटू फॉन्ट। अब ये देख रहे हैं टैटू फॉन्ट पर जाना है और आपको यहाँ पे टैटू की कैटेगरीज मिल जाएंगी जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, उस तरह के टैटू के यहाँ पे फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स की और भी आपको वैराइटीज़ मिल जाएंगी। तो बहुत ही स्टाइलिश फॉन्ट है जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही तरीका है, यहाँ पे आपने नेम टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ से आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, सेम वही तरीका है, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं।
जनरली क्या होता है इस तरह की वेबसाइट में आपको जो है ये फॉन्ट को या तो डाउनलोड करना होता है, यहाँ से आप तो या तो फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्या होता है कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट को यूज़ करें। तो ये तरीका होता है हमें इस फॉन्ट को यूज़ करने का। अब नेक्स्ट वेबसाइट को हम सर्च करेंगे, यहाँ से सर्च बार पे जाएंगे और नेक्स्ट वेबसाइट है fontgenerator.com। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा वियर्ड मेकर टेक्स्ट फॉन्ट एंड लेटर जनरेटर। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ये फर्स्ट नंबर पर ही मिलेगा, ये बीच में भी कहीं पे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जब भी आप फॉन्ट जनरेटर आप सर्च मारेंगे तो क्या होगा, वो आपको 7वें 8वें या 10वें नंबर पर आपको ये मिलेगा, एक्चुअल में फर्स्ट नंबर पर नहीं आता है। तो आपने यहाँ से ये लिंक इसको ओपन कर लेना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में यहाँ पे हमें नेम सर्च करना होता है, हमें नेम जो भी चाहिए वो हमें यहाँ पे डालना होता है और यहाँ पे हमें ये प्रीव्यूज दिखा देता है। बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट हैं लेकिन इसमें जो है मेन कैटेगरी ये है टैटू की, तो हमें टैटू वाले कैटेगरी पे जाना है। अब इसमें जो फॉन्ट है वो बहुत ही स्टाइलिश हो जाएंगे। अलग अलग पेज है इसमें भी, अलग अलग पेज पे आप सस्ते, मान लिया आपको क्लाइंट को पसंद नहीं आता इनमें से कोई फॉन्ट, तो अब मान लिया मुझे ये फॉन्ट पसंद आया। इस वेबसाइट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मुझे फॉन्ट पसंद आया और इस फॉन्ट को मैं कैसे यूज़, बाकी में हमें क्या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें इसमें स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं होती। अब हमें ये साइज़ पसंद आया तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है साइज़ के, मैक्सिमम साइज़ पर जाएंगे और ये प्रीव्यू आपको दिखा देगा मैक्सिमम साइज़ का। इसमें एक यहाँ ऑप्शन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है। प्लस अगर आप नीचे जाते हैं तो नीचे भी आप फाइल के अलग अलग फॉर्मेट्स के ऑप्शन है, PNG में, JPG में, PDF में या ZIP फाइल आप जनरेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप डाउनलोड हो गया, आप ओपन करके इसको आप कहीं भी फोटोशॉप या कहीं भी आप इसको एडिट करके ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको स्क्रीनशॉट की लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको जब मर्जी इसका अलग अलग साइज़ के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बोनस वेबसाइट के बारे में जो मैं बात कर रहा था आपको, वो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जो आपको 100% पसंद आएगा। और ये जो है बहुत ही कम टैटू आर्टिस्ट हैं जो इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इस वेबसाइट के बारे में कि इस तरह की कोई वेबसाइट है, बहुत ही कम यूज़र्स हैं इस वेबसाइट के, जो जानते हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपको मैं आपको ये वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, हमें गूगल पे सर्च करना है फ्लिप स्क्रिप्ट .com। इसमें इसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ये वेबसाइट। फर्स्ट टाइम ये कुकीज़ के लिए अलाउड मांगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे आपको टैब्स दिखेंगे, हमें इसमें क्रिएट टैब्स में जाना है। यहाँ पे एक बार अलाउ कर देना एग्रीमेंट को, कोई भी आप एग्रीमेंट अलाउ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आप दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि हम दो नेम को एक नेम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई दो नाम यहाँ पे टाइप करने हैं, और एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, डालते हैं मान लिया नेम हमने, मैंने अपना डाल दिया, एंड देन सेकंड नेम मैं अपनी वाइफ का डाल रहा हूँ। देन मेक प्रीव्यू पे क्लिक करना है और आपको ये जनरेट करके दिखा देगा कि किस तरीके से जो है, आप ये देखिए कितना अच्छा उसने जनरेट कर दिया, यहाँ पे एक डिज़ाइन जनरेट कर दिया, ये डिज़ाइन जनरेट हो गया। अब अगर आप इसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो ये फ्लिप हो जाता है, मतलब पहले क्या था, पहले संजय और रिंकी पढ़ने में आ रहा था,
देन अब उल्टा क्या हो गया, रिंकी एंड संजय हो गया। तो ये दोनों तरफ से ये नाम पढ़ा जा सकता है। अब इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो सेम वही चीज़ होगी, लेकिन क्या होगा, ये नेम आप देख रहे हैं दोनों साइड से पढ़ा जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था विंडस्टॉर्म का भी एक ऑप्शन है, विंडस्टॉर्म पे क्लिक करते हैं, आप देखिए इसमें क्या इफेक्ट आता है। पहले वाले में क्या हो रहा था, फायर वाटर में क्या हो रहा था, नेम जो है दो पार्ट में आ रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ से नेम आपको पढ़ा जा रहा है, इधर से संजय एंड इधर से रिंकी। अब सैम्पल के लिए दूसरा नाम डालते हैं, एक का नाम डालते हैं कमल, देन दूसरा नाम डालते हैं पुष्पा। विंडस्टॉर्म पे क्लिक करते हैं और इसका पीवीओ जनरेट हो रहा है। अब ये देखिए कभी कभी नेम के अकॉर्डिंग ये अपने हिसाब से बनाता है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो वैसे ही बनाएगा, नेम के अकॉर्डिंग बना देता है। फायर वाटर पे जाते हैं तो अब आप देखिए मैंने इस पर फायर वाटर पर क्लिक किया तो इसमें इस पर फायर वाटर पर कुछ और ऑप्शन आया और विंडस्टॉर्म पे अलग ऑप्शन आया। तो ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन बात है कि हमारा जो है हमारा मिशन जो है वो फ्लिप करने का है नेम को, वो होना चाहिए। तो इस तरीके देखिए यहाँ से जो है पुष्पा पढ़ने में आ रहा है, देन यहाँ से कमल पढ़ने में आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है ये, जो है आपको मान लीजिए इस डिजाइन में आपको लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप दूसरा डिजाइन भी इसमें ऑप्शन होता है वो इसको जनरेट कर देगा, जिसमें बेटर आपको पढ़ने में आ रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लाइंट के जो पसंद आ जाए, मान लीजिए जैसे ये बिल्कुल सही पढ़ने में आ रहा है तो आप ये सिलेक्ट करा दीजिए। तो इस तरीके से जो वेबसाइट है बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, किसी भी नेम को जो है फ्लिप कर देता है और दो नेम को मिक्स कर देता है, इस तरीके से मिक्स करता है कि दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। दूसरा, आप अगर ये सोचें कि भाई ये इजीली पढ़ने में नहीं आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी में पढ़ने में आता है, बस उसको थोड़ा समझाना, क्योंकि अगर टैटू बना रहे हैं और दो नेम को एक साथ मिक्स करना तो थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन तो रहेगा, सेम तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो नेम को एक साथ मर्ज किया जा सके। फिर भी ये बहुत अच्छा मर्ज करता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है।